सरदेव बाबूजी की इस द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर आज जब हम सब उन्हें हिंदू गौरव दिवस के रूप में स्मरण कर रहे हैं, प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके द्वारा प्रदेश के विकास, विरासत के सम्मान और भारत की राष्ट्रीयता के लिए किए गए प्रयासों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री पीयूष गोयल जी का और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन का माहौल किस प्रकार से बनना चाहिए। सन 1991 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब उत्तर प्रदेश वासियों को इस बात का एहसास हुआ था। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।